मेरा फ़ोन टूट गया है, मतलब कि रास्ते में मेरा और दीदी का एक्सीडेंट हो गया। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी चाय। कैसे हो आप लोग, अच्छे ही होंगे? ओके, तो गाइस आज मैं ना घर पे जा रही हूँ, मतलब कि 10 दिन की मेरी इवेंट थी यहाँ पे। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं दीदी के वहाँ पे आई हूँ, मतलब कि बहुत टाइम के बाद, मेरे लिए तो बहुत टाइम ही हो चुका है। आज पापा की बर्थडे भी है और घर पे भी जा रही हूँ मैं और मेरी दीदी, हम दोनों साथ में ही जाने वाले हैं। दीदी तैयार हो रही है, बस थोड़ी देर में निकलते हैं, चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। गाइस तो हम घर से निकल चुके हैं, दीदी घाटोरिया में रहती है और मैं सिटी में रहती हूँ, मतलब कि हम दोनों एक्टिवा लेके ही निकले हैं। दीदी गाड़ी चला रही है, मैं पीछे बैठी हूँ। हम यहाँ पे अखबार नगर पहुँचे, मतलब कि अभी भी हमको शायद पूरा घंटा तो हो ही जाएगा घर जाने में, आगे ट्रैफिक भी बहुत होगा तो शायद। गाइस ये तिरक बाग पहुँचे हैं हम, यहाँ पर बहुत ही ट्रैफिक है, आप देख सकते हो यहाँ पर हमेशा ट्रैफिक रहता ही है। ये है रिवर फ्रंट, हम यहाँ पे पहुँचे, एरिस ब्रिज वाला रिवर फ्रंट है ये, एरिस ब्रिज पे है हम। राज दरवाजा पहुँच चुके हैं, यहाँ पे ट्रैफिक आप देख सकते हो बहुत ही ट्रैफिक रहता है यहाँ पे। हाँ तो हम यहाँ पे खोखरा पहुँच गए हैं, मतलब कि हम यहाँ पे रुके, भूख लगी है तो थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए, तो चलो अभी हम अंदर जाते हैं, भूख लगी है। गाइस हाँ तो हमने नाश्ता कर लिया है, मतलब कि यहाँ से मेरा घर 10-15 मिनट का ही है, बस निकलते हैं चलो। गाइस तो मैं घर पे आ चुकी हूँ, ये मेरी प्यारी सी छोटी सी क्यूट सी फ्रेंड है मेरी छोटी वाली, आप कुछ कहना चाहते हो क्या? यस, ये मेरी प्यारी सी दीदी है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगती है, हमारे पड़ोसी हैं, बहुत अच्छे हैं। ये मेरी प्यारी फ्रेंड है, मतलब कि छोटी वाली मेरी एक ही फ्रेंड है, ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत प्यारी है। एक्चुअली मैं गाइस मैं ना घर पर आ चुकी हूँ, मतलब कि कब का आ गई थी, लेकिन थक गई थी तो सो गई थी थोड़ा टाइम। तो एक्चुअली मैं ये मेरा फ़ोन है ना, तो मेरा फ़ोन टूट गया है, मतलब कि रास्ते में मेरा और दीदी का एक्सीडेंट हो गया तो हमारा फ़ोन टूट गया। तो पता नहीं अब मैं व्लॉग कैसे बनाऊंगी, लेकिन एक्चुअली मैं ये तो पापा का फ़ोन है, ये रहा मेरा फ़ोन, मेरा फ़ोन टूट गया है, ये डिस्प्ले चली गई है, मतलब कि अभी मुझे रिपेयर में भी डालना पड़ेगा, देखती हूँ क्या होता है, शायद हो जाए 2-3 दिन में आ जाए तो अच्छा है। एक्चुअली मुझे व्लॉग भी कंटिन्यू डालना है, तो पता नहीं, मैं इतनी टेंशन में आ गई थी ना, टेंशन में जब टेंशन में रहती हूँ ना तब मैं सो ही जाती हूँ। तो चलो हम जाते हैं दुकान में, ये फ़ोन देना है रिपेयर में, इसलिए चलो मिलते हैं। हे गाइस हाँ तो हम निकल चुके हैं घर से, मतलब कि ये वाला फ़ोन रिपेयर में डालने के लिए जा रहे हैं, मैं और ये छोटी बच्ची मेरी फ्रेंड है, हम दोनों जा रहे हैं। पता नहीं वो दुकान वाला क्या बोलेगा, मतलब कि 2-3 दिन में बना के दे दे फ़ोन तो अच्छा है, मतलब कि मेरा व्लॉग भी अच्छा वाला मैं बना सकूँ। तो चलो देखते हैं दुकान में जा कर कि क्या होता है। हे गाइस तो हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, ये मोबाइल की शॉप है, यहाँ पर अंदर ही जा रहे हैं, देखते हैं क्या। भैया मुझे ये वाला फ़ोन है ना, मुझे वो कॉम्बो बिगड़ गया है तो वो मुझे चेंज करना पड़ेगा, कितना लगेगा और कितना टाइम लगेगा, पैसा भी कितना लगेगा इसका? 1450 होगा, मार्केट का $2,200। थोड़ा सा कम कर दो ना भैया, हर बार आपकी दुकान में तो आते हैं रहने के लिए। फिटिंग आपका रेगुलर कस्टमर का, हम कम ही लेते हैं। ओके 1400 देते हैं, ओरिजिनल लगाना है 2200 रुपया।
ओके कितने ओके 2 घंटे में हो जाएगा ना? ओके थैंक यू भैया। हाँ तो गाइस मैंने मेरा फ़ोन रिपेयर में दे दिया है और वो 2-3 घंटे के अंदर आ भी जाएगा। चलो अच्छा है, मतलब कि आज तो मेरा मूड ऑफ हो चुका है। मतलब कि मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। मैंने सोचा था कि पापा की बर्थडे है तो अच्छा व्लॉग बनाऊंगी, सेलिब्रेशन करेंगे, पापा को सरप्राइज दूंगी और कुछ मैंने बहुत कुछ मैंने सोचा था। लेकिन अभी वो मेरा सारा मूड ही ऑफ हो गया है। मतलब कि फ़ोन अभी आ जाए ना तो अच्छा है। तो कोई बात नहीं, चलो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।